है गाइस, कैसे हैं आप सब? वेलकम टू विंग्स एक उड़ान। गाइस, रीजनिंग के कैलेंडर टॉपिक के ऊपर मैं दो वीडियोस ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूं, आप ज़रूर उन वीडियोस को जाके देखें। मैंने सेपरेट प्लेलिस्ट जो है वो बनाई हुई है हर एक टॉपिक के रिगार्डिंग, आप वो देख सकते हैं। आज रीजनिंग के कैलेंडर टॉपिक का थर्ड सेशन में लेके आया हूं। और यकीन मानिए, ये ऐसे क्वेश्चन है जो आमतौर पर टीचर जो है वो स्किप करता है, बट मैंने आपको बताया इस चैनल पर आपको जेन्युइन चीज़ें मिलने जा रही है। तो आइए बिना समय गवाए आज का टॉपिक शुरू करते हैं। देखो, कैलेंडर में इससे पहले हमने दो टाइप के क्वेश्चंस किए, एक तो वो जब डेट दी हो और डे पूछा हो, और दूसरा जो दूसरे सेशन में मैंने डाला, जब एक डेट के ऊपर डे दिया होता है वो सही भी हो सकता है, वो दूसरा चेंज्ड भी हो सकता है, और हमसे वो दूसरी डेट के बारे में डे पूछता है। ये चीज़ याद है आपको? आज उसका नेक्स्ट लेवल जो है वो हम समझते हैं, इसमें क्या होता है। देखो, आपको इन कोड्स की हेल्प तो यहाँ पर भी आएगी ही। अब यहाँ पर हमारा डे कोड या हमारा सेंचुरी कोड नहीं हेल्प करने वाला, ये जो मैंने मंथ्स कोड बताए सिर्फ इन्हीं की हेल्प से ये क्वेश्चंस जो हैं वो सॉल्व हो जाएंगे। पहला सवाल क्या बोल रहा है, इन 2018 में विच ऑफ द फॉलोइंग टू मंथ्स हैव सेम डेज, इनमें से कौन से वो दो महीने हैं जिनके डेज सेम है। अब बच्चे को यहीं पर प्रॉब्लम आती है, ये पूछना क्या चाहता है हमसे। डेज सेम होने का मतलब ये नहीं है कि एक मंथ में 31 डेज है तो दूसरे मंथ में भी 31 डेज हो, ना, ये मीनिंग नहीं हुआ इसका। इसका मीनिंग ये है कि अगर एक मंथ में पहली तारीख, अगर एक मंथ में पहली तारीख या फर्स्ट डेट को मान लीजिए मंडे है और 31st को मान लीजिए फ्राइडे है, तो अब ऐसा कौन सा महीना है उस साल में जहां पर सेम ऐसा ही है। मतलब पहली तारीख को मंडे ही होना चाहिए और आखिरी तारीख 31st तारीख को फ्राइडे ही होना चाहिए, ऐसे वो दो मंथ्स पूछ रहे हैं हमसे। तो ये सॉल्व करने के लिए ट्रिक देखो अब क्या है इस पे। देखो, ऐसा अगर हमने क्वेश्चन हमसे पूछा जा रहा है तो इसका सॉल्यूशन क्या है, वो दो मंथ्स जिन दो मंथ्स के कोड्स सेम है हमेशा उनके डेज भी सेम होंगे। डेज सेम होने का मीनिंग, फर्स्ट को अगर एक मंथ पे फ्राइडे फॉल कर रहा है और लास्ट को अगर वो फॉल कर रहा है मंडे, मैं उल्टा कर रहा हूँ, अब चेंज कर रहा हूँ, तो दूसरे मंथ में भी ऐसा होना चाहिए, फर्स्ट को फ्राइडे और लास्ट तारीख अगर पहले में 30 है तो दूसरे में भी 30, तो उसको क्या होना चाहिए, मंडे ही होना चाहिए। ये पॉइंट क्लियर हुआ आपको? तो ऐसा अगर आपने सॉल्व करना है, आप देखो इन कोड्स में ऐसे कौन से दो मंथ्स हैं जिनका कोड सेम है। और ऑप्शंस के रिगार्डिंग ना, पहला क्या है, फरवरी अप्रैल, हमें पता है कि फरवरी का कोड क्या है, 4। अब बात आती है सर नॉर्मल ईयर की, लीप ईयर, वो भी तो देखना है। तो देखो, यहां पर जो ईयर दिया जा रहा है दैट इज 2018, एंड 2018 इज नॉट डिविजिबल बाय 4, इट मींस नॉर्मल ईयर के जो कोड्स हैं वही लेने हैं हमने। तो फेब का क्या कोड है, 4, एंड अप्रैल का क्या कोड है, 0, 4 0, सेम तो नहीं है, हटा दो। और वैसे भी हमें पता है फरवरी में तो 28 डेज है, तो ये तो सेम हो भी नहीं सकता, अप्रैल में थोड़ी ना 28 डेज है। दूसरा मई जुलाई, मई में कितना है, 2, और जुलाई का कोड कितना है, 0, ये भी नहीं हुआ हमारा आंसर। जून सितंबर, जून का कोड है 5, सितंबर का 6, ये भी नहीं हुआ हमारा आंसर। जनवरी अक्टूबर, जनवरी का 1 एंड अक्टूबर का भी 1, तो भाई यही वो दो मंथ्स है जिनके डेज सेम है। जनवरी में हमें पता 31 डेज है, अक्टूबर में भी 31 डेज, और आप कोई भी साल का कैलेंडर उठा के देखो अगर आप, प्रोवाइडेड वो लीप ईयर नहीं होना चाहिए, नॉर्मल ईयर, तो जनवरी और अक्टूबर के डेज हर एक रिस्पेक्ट में सेम होंगे। आइए मैं आपको ये चेक करके भी बता देता हूं। देखो कौन सा ईयर है, 2018, लेट मी गूगल दिस, 2018 कैलेंडर, आप ये खुद भी घर पे चेक कर सकते हैं। मैं आपको यहां से एक बार रीड करके भी बता देता हूं। 2G ओपन, भाई आपको पता है 2G का बहुत इशू है, 4G जो है वो कर भी नहीं रहे हैं। देखो अब शायद आज या कल में शुरू हो जाए 4G। हाँ, जनवरी 2018 की बात कर रहा हूं मैं, जनवरी का जो फर्स्ट तारीख है उस पर मंडे फॉल करता है और अक्टूबर की फर्स्ट तारीख को भी मंडे फॉल करता है, जनवरी की 31st तारीख को वेडनेसडे फॉल करता है, हाँ बिल्कुल, और वैसे ही अक्टूबर की 31st तारीख को भी वेडनेसडे ही फॉल करता है, इट मींस कि बिल्कुल सेम है। अब ये क्लियर हुआ आपको? नेक्स्ट पे आ जाए,
नेक्स्ट इज इन 2016 विच ऑफ द फॉलोइंग टू मंथ्स हैव सेम डेज, दोबारा सेम क्वेश्चन। और आप बोलोगे सर अभी तो देखा ऊपर जनवरी अक्टूबर यहां भी तो है ऑप्शन, नहीं यहां लीप ईयर का कॉन्सेप्ट आ गया। क्यों? बिकॉज 2016 इज डिविजिबल बाय 4, इट इज अ लीप ईयर, इट मींस यू कांट टेक द कोड ऑफ जनवरी एज 1, यू हैव टू टेक द कोड ऑफ जनवरी एज 0, एंड अक्टूबर का कोड कितना है वो 1, तो इट मींस ये तो सेम नहीं हुआ। इसके अलावा मई जुलाई, मई का 2 जुलाई का कितना है 0, ये भी सेम नहीं है। जून सितंबर, जून का 5 सितंबर का 6, ये भी सही नहीं है। जनवरी जुलाई, जनवरी 0 एंड जुलाई भी 0, इट मींस जनवरी और जुलाई यही दो मंथ्स है जिनके डेज सेम है हर एक रिस्पेक्ट में। आइए मैं ये भी आपको दिखा देता हूं, 2016 कैलेंडर फाइंड आउट करते हैं। चलिए मैं बोलता हूँ भाई, एक बार जस्ट अ सेकंड। हाँ जी, 2016 में जनवरी को पहली तारीख को आता है सैटरडे, और दूसरा कौन सा है हमारा जुलाई, तो जुलाई को भी पहली तारीख को सैटरडे, जनवरी को इसके अलावा उसने बताया है 31 को आता है हमारा कौन सा मंडे, और जुलाई को भी 31 को आता है हमारा मंडे। तो आई होप ये पॉइंट जो है आपका वो क्लियर हुआ होगा। ठीक, आए नेक्स्ट पे आते। इन 2007 विच ऑफ द फॉलोइंग टू मंथ्स हैव सेम डेज, अब 2007 है डिविजिबल बाय 4 तो नहीं होगा, इट मींस ये कौन सा ईयर हो गया फिर, नॉर्मल ईयर। नॉर्मल ईयर में मई का कोड 2, सितंबर का 6, ये नहीं, दिसंबर का कोड 6, सितंबर का 6, मिल गया आंसर, नॉर्मल ईयर है। देखो जनवरी का तो 1 है, जुलाई का 0, ये भी नहीं हो सकता। जून का कितना है, जून का है 5, एंड अगस्त का कितना है 3, तो ये भी नहीं हो सकता। इट मींस दिसंबर एंड सितंबर यही दो मंथ्स है। आप गूगल करो, कैलेंडर देखो, 2007 में दिसंबर को फर्स्ट तारीख को जो डे होगा, सितंबर की फर्स्ट तारीख को भी वो डे होगा, पूरा कैलेंडर सेम चलेगा इनका, पूरे मंथ का कैलेंडर सेम, हर एक डेट पे जो डे है दूसरे मंथ के भी हर एक डेट पे वही डे होने वाला है। क्लियर ये पॉइंट? और इसके अलावा मैंने एक क्वेश्चन लिया, दैट इज ऑफ यूपीएससी सीसेट में ये सवाल पूछा गया है, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, इससे हटके है, आइए सॉल्व करते हैं। बोल रहा है कि इफ सेकंड एंड फोर्थ सैटरडेज, अगर दूसरा और चौथा सैटरडे जो है और सभी संडेज उनको अगर हम हॉलीडे माने एक ऑफिस के लिए, तो बताओ मिनिमम नंबर ऑफ पॉसिबल वर्किंग डेज किसी भी महीने के किसी भी साल में कितने होंगे। कहने का मीनिंग क्या है, मैं यहां पे सॉल्व करता हूं। इसने बोला कि सैटरडे जो है वो कौन कौन सा, सेकंड एंड फोर्थ, और संडेज जो है वो इसने सारे बोल दिए, तो एक महीने में मैक्सिमम कितने संडेज आ सकते हैं, सिर्फ 4। चेक करके दिखाए, देखो फर्स्ट को अगर संडे होगा, अगर फर्स्ट को संडे होगा तो 1 + 7, 8 को भी संडे, 15 को भी संडे, 15 और 7 22 को भी संडे, 22 और 7 29 को भी संडे, 4 संडेज आए। उसके बाद अगर मैं संडे देखूंगा वो तो 31 से भी ऊपर डेज जाएंगे, वो तो नहीं पॉसिबल। तो इट मींस मैक्सिमम संडेज जो है वो मंथ में 4 ही हो सकते हैं, क्योंकि जितनी मैं हॉलीडेज ज़्यादा करूंगा वर्किंग डेज उतने ही कम हो जाएंगे, हमें कम ही तो चाहिए। ये क्लियर हो गया? तो टोटल हॉलीडेज हमारे पास कितने आ गए, 6। अब बात आती है कि सर ये किस मंथ में हम अप्लाई करेंगे, तो हमें मिनिमम वर्किंग डेज चाहिए, और हमें पता है कि फरवरी में पहले ही बहुत कम दिन होते हैं, तो ऑब्वियसली बात है ये फरवरी पे अप्लाई करते हैं, या फरवरी पे अप्लाई होगा। देखो हम फरवरी पे अप्लाई करते हैं, अब फरवरी की बात आती है कि इसमें 28 डेज भी हो सकते हैं, 29 डेज भी हो सकते हैं, लीप ईयर भी हो सकता है ना, दोनों कॉन्सेप्ट में समझाने जा रहा हूं। देखो अब यहां पर जगह कम है तो मैं इसको यहां सॉल्व करूंगा। देखो मान लो अगर फरवरी का 28 वाला मैं हिस्सा लूं, 28 डेज वाला, तो मुझे पता है कि सैटरडे तो दो ही लेने ना, इसमें तो कोई इशू ही नहीं है। संडेज कितने आएंगे 28 में, मैंने अभी बताया था कितने संडेज आएंगे, चेक करें, फर्स्ट को संडे, 8 को संडे, 15 को संडे, 22 को संडे, 4 संडेज हुए, उसके बाद 29th को संडे आएगा, बट यहां तो 28 है तो 4 संडेज, इट मींस यहां पर मेरे पास संडेज कितने आ रहे हैं 4, और सैटरडेज मेरे पास यहां पर कितने हैं 2, तो टोटल
छुट्टियां कितनी हो गई, हॉलीडेज 6, तो 28 माइनस 6 विल बी 22। अब बात आती है, स्टूडेंट सोच सकता है कि सर अगर मैं फरवरी में 29 डेज ले लूं तो सर 5 संडेज आ जाएंगे ना यार, अगर संडेज ज़्यादा हो गए तो सर वर्किंग डेज कम हो जाएंगे। भाई ऐसा नहीं है, क्यों नहीं है आइए ये भी मैं आपको बताता हूँ। देखो इसके बारे में हम कहाँ पे सॉल्व करें, इसी चीज़ के बारे में मैं यहाँ सॉल्व करवाता हूँ। देखो जल्दी से हम क्या कर रहे हैं, फरवरी के 29 डेज ले लेते हैं, बिल्कुल सही मैंने संडे बताया, आप इसमें 5 आएंगे और सैटरडे तो इसमें 2 ही हैं, छुट्टियाँ हॉलीडेज कितनी 7, 29 में से 7 हॉलीडेज माइनस करूँगा तब भी तो मेरे पास आंसर 22 ही आएगा, बिकॉज अगर एक संडे एक्सटेंड हो रहा है तो एक डे भी तो एक्सटेंड हो रहा है, 28 से 29 भी तो जा रहा है, ये पॉइंट मैं बोल रहा हूँ आपको। तो इट मीन्स मिनिमम पॉसिबल नंबर ऑफ वर्किंग डेज फिर कितने आ गए हमारे पास 22। ये इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था और UPSC तो इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पूछता ही है। आई होप ये सेशन आपके लिए बहुत अच्छा रहा होगा। नेक्स्ट सेशन में वी विल कंक्लूड दिस चैप्टर ऑफ रीजनिंग दैट इज कैलेंडर, और उसके बाद अगर आपके पास कुछ क्वेश्चंस हैं जो आपसे सॉल्व नहीं हो रहे सेंड करो मुझे, मैं यहाँ पर हूँ, एम्पल ऑफ टाइम मेरे पास है, मैं सॉल्व करके आपके लिए वीडियो बनाऊंगा। आज के लिए इतना रखते हैं, थैंक्स अ लॉट।